नमस्कार, मैं हूं धीरेन्द्र अवस्थी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश क्राइम रिपोर्ट। दिल्ली के अंबेडकर नगर थाने इलाके में एक युवक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई है। मृतक की पहचान मनोज उर्फ लवी के रूप में हुई है, जिसकी उम्र 20 से 21 साल बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। तस्वीर मनोज उर्फ लवी की है, जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। जानकारी के अनुसार बीती रात तकरीबन 10:30 बजे दिल्ली के मदनगिरी इलाके में इसकी 3 लोगों ने चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस को इस संबंध में रात 11:15 पर जानकारी मिली। जिसमें बताया गया था कि घायल को बत्रा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। और जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पाया कि एक युवक को अस्पताल ले जाया गया है, जो गंभीर रूप से घायल था। जिसको डॉक्टरों ने बाद में मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि मनोज पर चाकू से 3 बार वार किया गया था। मेरा एक ही बच्चा था, जंगल लेने उनके जाती तो एक लड़का कहने लगा, आंटी अभी एक लड़के को छोड़ के आ रहे हैं। तुम और लड़का कहने, मैंने कहा नहीं भाई ये जा रहा है, कह रहा बहुत अभी छोड़ के आ रहे हैं। फिर वो काम कर दिया उसका, वो छोड़ के आए। वो लड़का वही थी। क्या नाम था आपके लड़के का? लवी। और दूसरा भी कोई नाम था? मनोज। आप कौन लगती है लड़के की? मम्मी। वो दो लड़के उधर पकड़ रहे, तूने लवी को क्यों मारा लवी को? फिर लड़कों, कितने लड़कों ने आपके बच्चे को मारा? एक लड़के ने मारा, दो उसके साथ भागे, 3 लड़के भागे थे, 3 लड़के हैं। क्या चीज से मारा? किस चीज से मारा था आपके लड़के को? किस चीज से? जब देखा नहीं था, बाद में देखा चाकू पड़ा हुआ था। कितनी बार चाकू से मार किया गया था? 8 बार मारा है बच्चा। मैं नहीं देख पाई, पता नहीं मेरे भाई को, मैं तो अपने को बुला लेती हूँ, मगर बुआ गई थी बुलाने मेरे को। आपको क्या पता चला? ये को पता ना, मेरे भाई के चाकू मारा। कितना चाकू मारा था? ये नहीं पता कितने मारे, मगर पता था मेरे भाई के चाकू मारे। कितने लोगों ने मारा? 3 लोगों ने। आपके भाई की उम्र कितनी थी? मेरा भाई 21 साल का था। आपसे बड़ा था? छोटा है। बड़ा था? अच्छा, आपसे छोटा है। बड़ा है। अच्छा, बड़ा है। अभी बड़ा है, ये छोटा है। मनोज की उम्र 21 साल थी और वो अपने घर का एक लौता लड़का था। एक छोटी बहन भी थी। माँ और बहन का रो रो कर बुरा हाल था। मनोज अभी प्राइवेट नौकरी कर रहा था और उसकी शादी भी नहीं हुई थी। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये घटना हो गई, उसका बच्चा चला गया, पुलिस वाले रात से दिख रहे हैं इस मोहल्ले में, नहीं पुलिस वाले नहीं आते, सो जाते हैं, जहाँ बीट होती है वहाँ इधर चक्कर नहीं मारते। ये तो गलत बात है पुलिस वालों को। और इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं बताओ? पब्लिक क्या करेगी? लड़के लड़कों का आगे बोलने नहीं देते, बहन बेटी की गाली बकते हैं, लेडीज हो चाहे कोई भी हो। फिलहाल जिसको जाना था वो चला गया, उसको वापस नहीं लाया जा सकता है, लेकिन किसी परिवार से एक सदस्य के चले जाने से उसकी भरपाई नहीं की जा सकती है। एक माँ का बेटा चला गया, एक बहन का भाई चला गया और पूरे परिवार का चिराग चला गया। ऐसे में सवाल यही है कि मनोज के कातिलों को पुलिस सलाखों के पीछे कब तक पहुंचाती है? दिल्ली से विजय कुमार की रिपोर्ट।
बदायूं के दातागंज तहसील के उपकोषागार में 5,70,00,000 रुपए का स्टैंप घोटाला पकड़ा गया है। घोटाले की खबर मिलते ही राजस्व विभाग में हड़कंप मचा तो रकड़िया बगैर कुछ जानकारी दिए भाग निकला। अभी कुछ दिन पहले ही शासन की ओर से छोटे छोटे उपकोषागार को बंद करने का आदेश आया था। डीएम ने जिले के उपकोषागार के अभिलेख चेक कराए थे जिसमें यह घोटाला सामने आया। डीएम ने आरोपी रोकड़िया हरीश पर FIR दर्ज कर निलंबन की कार्रवाई की है। इस रिपोर्ट में देखिए। बदायूं में करोड़ों का घोटाला, तहसील के उपकोषागार में स्टैंप घोटाला, बैंक में नहीं जमा की गई स्टैंप की धनराशि, राजस्व विभाग रोकड़िया हरीश की तलाश में जुटा। डीएम ने आरोपी रोकड़िया हरीश को किया निलंबित। मामला बदायूं जिले के दातागंज तहसील के उपकोषागार का है। यहां तैनात रोकड़िया हरीश 2013 से घपलेबाजी कर रहा था। जिलाधिकारी कुमार प्रशांत ने टीम गठित कर उपकोषागार के अभिलेख चेक किए तो ये बड़ा घोटाला सामने आया। इस पर 4 सदस्य टीम ने जांच पड़ताल में ये पाया कि रोकड़िया हरीश द्वारा 5.70 करोड़ का घोटाला कर लिया गया। अब विभाग की टीम रोकड़िया हरीश की तलाश कर रही है और हर महीने का लेखा जोखा चेक किया जा रहा है। टीम ने बताया कि 2013 से ये घोटाला चल रहा था, स्टैंप बेचे जा रहे थे। उनका स्टॉक रजिस्टर से मिलान करने पर पता चला कि जो स्टाम्प बेचे गए उनकी धनराशि बैंक में जमा ही नहीं की गई है। ये मामला काफ़ी पुराना है, करीब 2013 से ऐसा है। वहाँ पे जो स्टैंप वगैरह बेचे जाते थे और स्टॉक रजिस्टर से उसका मिलान करने के उपरांत ये तथ्य सामने आए कि जो स्टैंप बेचे गए हैं उनका प्रॉपर तरीके से उसकी धनराशि बैंक में जमा नहीं की गई। और जब प्रथम दृष्टया ये सूचना हमें लगी तो एक कमेटी गठित करके इसकी जाँच करवाई और जांचों उपरांत इसमें जो रोकड़िया उप रोकड़िया थे वहाँ उनकी भूमिका संदिग्ध लगी तो उनके खिलाफ FIR दर्ज करते हुए हमने उनको निलंबित कर दिया है और संपूर्ण सूचना की कार्रवाई की ये जो है संपूर्ण घटना की सूचना उच्च अधिकारियों को हमने इससे अवगत करवा दिया है। किस तरीके से ये घोटाला करते थे ये जो स्टैंप यहाँ से उपकोषागार में उनको दिया जाता था उसको बेचते थे और उसका प्रॉपर तरीके से स्टॉक रजिस्टर से इसका मिलान नहीं करते थे और बिना मिलान किए हुए वहां से निकाल के ये प्राइवेट तौर पे बेच देते थे। जब मामला संज्ञान में आया तो एक कमेटी गठित कर जांच कराई गई तो रोकड़िया की भूमिका संदिग्ध मिली जिनके खिलाफ FIR दर्ज कराकर निलंबन कर दिया गया। फिलहाल इस घोटाले की खबर मिलते ही राजस्व विभाग में हड़कंप मचा तो रोकड़िया हरीश बगैर कुछ जानकारी दिए फरार हो गया। आरोपी हरीश पर FIR भी दर्ज कर ली गई है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि घोटालेबाज की गिरफ्तारी कब होगी। बदायूं से अंशुल जैन की रिपोर्ट। तो यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको रूबरू कराएंगे कुछ और वारदातों से। देखते रहिए क्राइम रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश पुलिस का नया कारनामा सामने आया है। हत्या आरोपी कैदी को पेशी पर लेकर पहुंची पुलिस ने उसे होटल में छोड़ दिया ताकि महिला के साथ मौज मस्ती कर सके।
पुलिस की उच्च स्तरीय छापेमारी में इसका खुलासा हुआ है। यूपी पुलिस का नया कारनामा, कैदी को होटल में अय्याशी करवा रही थी पुलिस। बंद कमरे में पुलिस कर्मी बैठ कर खा रहे थे खाना। रंगरेलियां मनाते पकड़ा गया पीसी पर आया कैदी। यूपी पुलिस पर सवाल उठना कोई नई बात नहीं है। यूपी पुलिस अपने काम से कम अपने कारनामों की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहती है और इस बार का पुलिस का कारनामा आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे, क्योंकि पुलिस का काम है प्रदेश में अपराध को कम करने का और अपराधियों के साथ सख्ती से निपटने का। लेकिन पुलिसकर्मी अब अपना काम भूल गए हैं। अब वो अपराध को कम करने में नहीं बल्कि अपराधियों की मौज मस्ती अय्याशी करवाने में जुटे हुए हैं। हरदोई जेल से पेशी पर आया हत्यारोपी कामेश्वर सिंह एक होटल में अपनी प्रेमिका के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ा गया। वहीं पेशी पर लेकर आए सिपाही बगल के कमरे में बदमाश के दोस्तों के साथ दावत उड़ा रहे थे। दरअसल कामेश्वर सिंह देवरिया के गौरी बाजार थाना क्षेत्र के पतरहट गांव का रहने वाला है। कामेश्वर सिंह के ऊपर गांव के ही रमेश सिंह, अरुण सिंह तथा गोरखपुर के सिंघड़िया निवासी विवेक सिंह की हत्या का आरोप है। अरुण और विवेक की हत्या में उसे जमानत मिल चुकी है। रमेश सिंह की हत्या में वो अभी भी जेल में है। ये सभी हत्याएं 2010 से 17 के बीच हुई थी। बीते दिनों उसे गोरखपुर जेल से हरदोई जेल ट्रांसफर किया गया था। रमेश सिंह की हत्या के मामले में सोमवार को कामेश्वर सिंह को कोर्ट में पेश किया जाना था। कामेश्वर सिंह को हरदोई जेल से पेशी पर देवरिया लाया गया था। हरदोई पुलिस लाइंस में तैनात सिपाही आनंद सिंह, अभय सिंह और अमन कुमार उसे पेशी पर लेकर आए थे। पेशी के बाद तीनों सिपाही उसे वापस हरदोई लेकर लौट रहे थे। लौटते वक्त तीनों सिपाही उसे गोरखपुर के एक होटल में लेकर पहुंचे। आरोप है कि कामेश्वर सिंह अपने दो साथी अनिल मौर्य और राधेश्याम की मदद से अपनी प्रेमिका सुषमा को पहले से होटल में बुला रखा था। होटल में पहुंचते ही कामेश्वर प्रेमिका के संग एक कमरे में चला गया। बाहर के कमरे में सिपाही और उसके साथी खाना खा रहे थे। कामेश्वर सिंह जब भी पेशी पर आता है तो होटल में मौज मस्ती किया करता है। ये खबर मृतक अरुण सिंह के बेटे दीपक सिंह को लगी थी। सोमवार को वो कचहरी से उसके वाहन का पीछा किया। जैसे ही वो होटल गया दीपक ने एसएसपी गोरखपुर को फोन पर सूचना दी। इसके बाद कैंट पुलिस हरकत में आई। और वहां पहुंचकर उसने कमरे में निर्वस्त हालत में कामेश्वर सिंह को प्रेमिका के साथ दबोच लिया। सिपाहियों को भी हिरासत में ले लिया गया है। इस खबर से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। आनंद फानन में हरदोई के एसपी आलोक प्रियदर्शी ने आरोपी पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है और जांच के आदेश दे दिए हैं। एक देवरिया का अपराधी है डब्लू सिंह ऑफ कालेश्वर, जो हरदोई जेल में निरुद्ध है और उसको पेशी पे लेके जाए देवरिया गए थे हमारे कांस्टेबल।
और फिर वहाँ से सीओ कैंट की रिपोर्ट आई है गोरखपुर जनपद से कि वो तीन कांस्टेबल्स जो हरदोई से मुलिम को लेके गए थे उन्होंने उसको एक होटल में ठहराया और उसकी जो महिला मित्र थी उससे उसकी मुलाकात कराई और उसको मतलब एक तरह से छूट दी। इस रिपोर्ट के आधार पर तीनों आरक्षियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करके इसमें जो भी विधिक कार्रवाई है वो प्रारंभ कर दी गई है और इसमें अगली कार्रवाई कराई जाएगी। फिलहाल जांच के बाद आरोपी पुलिसकर्मियों पर क्या कार्रवाई होगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह पुलिस का चेहरा सामने आया है यकीनन ये पुलिस विभाग पर एक बड़ा धब्बा है। हरदोई से आदर्श त्रिपाठी की रिपोर्ट। तो यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको रूबरू कराएंगे कुछ और वारदातों से। देखते रहिए क्राइम रिपोर्ट। खबर जनपद के एटा से है जहां पर एक पूर्व प्रधान को अवैध संबंधों का विरोध करना भारी पड़ गया और आरोपियों ने उसकी हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। पेश है रिपोर्ट। एटा में चार दिन पहले थाना आवागढ़ क्षेत्र में हुई प्रधान की हत्या का खुलासा हो गया है। मामले में पांच हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक अवैध संबंधों का विरोध करने पर पूर्व प्रधान की गांव के ही पांच लोगों ने निर्मम हत्या कर दी थी। पूरा मामला थाना आवागढ़ क्षेत्र के नगला किशन सिंह का है। पूर्व प्रधान राजेंद्र सिंह की प्रेमी नेत्रपाल और प्रेमिका गुड़िया ने अपने पांच साथियों के साथ हत्या कर शव को घर के पीछे फेंक दिया था। वही मृतक पूर्व प्रधान के परिजनों को उनकी हत्या की आशंका पर उनके बेटे दुष्यंत ने प्रेमी नेत्रपाल प्रेमिका गुड़िया सहित अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। पुलिस ने तफ्तीश के बाद दोनों हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया है जिन्होंने अपना जुर्म भी कबूल लिया है। लगभग दो दिन पहले एक वृद्ध व्यक्ति की हत्या हुई थी। ईंटों से चोट पहुंचाकर मारा गया था। घर के पीछे डेड बॉडी पड़ी मिली थी। अज्ञात था मामला। इस संदर्भ में पंजीकृत किया गया था और आवागढ़ इंस्पेक्टर की विवेचना से निकल के आया है कि इसमें गांव के ही रहने वाले चार लोग और एक महिला अवैध संबंधों का प्रकरण था। इसी बात को लेकर व्यक्ति हत्या की थी। उन्होंने कन्फेस किया है और घटनास्थल से आवश्यक बरामद किया गई। इसमें अभियुक्त ने धाराओं के प्रतिकर को जेल भेजकर कार्रवाई की। हत्या कहाँ पर हुई थी, किस प्रकार की, क्या बताया इन्होंने? इन्होंने जो बताया ये उनके घर के पीछे ही ले जाकर इन्होंने ईंटों से मारा था। दरअसल पूर्व प्रधान राजेंद्र पाल सिंह लव स्टोरी में बाधक बन रहा था। प्रधान ने गुड़िया के घर प्रेमी नेत्रपाल के आने जाने का विरोध किया था। इससे नाराज प्रेमी प्रेमिका ने पूर्व प्रधान की हत्या का षड्यंत्र रचा। दोनों ने अपने साथियों के साथ मिलकर बौद्धपाल अतेंद्र जगदीश के साथ मिलकर जुआ खेलने के बहाने पूर्व प्रधान को बुलाकर गुड़िया के घर ले जाकर निर्मम हत्या कर दी और शव घर के पीछे फेंक दिया। हत्या के चार दिन बाद पुलिस ने सभी हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एटा से RB द्विवेदी की रिपोर्ट। तो क्राइम रिपोर्ट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ और सनसनीखेज वारदातों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।